अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सारी शॉपिंग है जो हमने हमारी पर्शियन कैट के लिए की थी जब हम उसको घर लेके आए थे। तो ये सारी बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं जो जब भी आप कैट को घर लाएँ तो ये सारी चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो सिकंदर का बेड है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि हम इतने प्यार से सिकंदर के लिए बेड लेके आए, लेकिन वो तो एक बार भी इसमें जाकर सोया ही नहीं। ये लिटल स्कूप है फ्रेंड्स। और ये है कैट की ट्रीट्स, तो अलग अलग फ्लेवर की कैट की ट्रीट्स आती हैं। ये हेयर ब्रश है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी होता है हेयर ब्रश, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इनकी डेली ग्रूमिंग करना, इनके हेयर्स को हेयर्स का ख्याल रखना ताकि हेयर फॉल नहीं हो, बालों में कोई भी टैंगलिंग ना हो, तो इसलिए इसको ख़रीदना भी ज़रूरी होता है। ये है फ्रेंड्स ड्राई बाथ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कैट्स को डेली नहलाना, तो आप ड्राई बाथ कर सकते हो जिससे कि कैट क्लीन भी रहेगी और इन्फेक्शन भी नहीं होगा उसको किसी भी चीज़ का। ये सारी ट्रीट्स अलग अलग फ्लेवर्स की हैं तो कैट्स बहुत इंजॉय करती हैं। जिस तरह से बच्चे टॉफ़ीज़ खाते हैं ना, वैसे ये कैट की ट्रीट्स होती हैं। बहुत खुश हो जाती हैं जब उनको ये आप देते हो ना, बहुत खुश हो जाती हैं कैट्स। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग ब्रांड का क्रीमी ट्रीट्स मार्केट में मिलता है। हम लोग मियाओं का क्रीमी ट्रीट्स लाए थे और सिकंदर और अलादीन दोनों ही इसको बहुत इंजॉय करते हैं। ये है फ्रेंड्स रॉयल कैनिन का कैट फूड। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, इसको खाने से कैट्स बहुत हेल्दी हो जाती हैं। और फ्रॉम किटन टू एडल्ट कैट्स, ये हर एक एज ग्रुप की कैट के लिए मिलता है और मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट कैट फूड है। और ये है फ्रेंड्स नेल कटर। आपको तो पता ही होगा टाइम टू टाइम हमें कैट्स के नेल्स जो हैं काटने ही होते हैं। और ये भी कुछ खाने का ही आइटम है, हमें चेंज कर करके कैट को फीड कराना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी भी ना सेम चीज़ से कैट सेटिस्फाई नहीं होती हैं। ये है फ्रेंड्स उनकी बॉल, और इसमें से ना आवाज़ भी आती है छन छन वाली। और ये है पेट वाइप्स, तो इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है, इनको भी ख़रीदना ही पड़ता है। और ये कुछ दवाई है कैट्स की, तो शुरुआत में तो हमें एक आधी दवाई लेके आए थे, उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कैट्स की, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और अब तो माशाल्लाह बहुत सारी दवाइयाँ घर में आ चुकी हैं जिनका यूज़ कभी ना कभी तो होता ही रहता है। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी चीज़ें जिनका होना बहुत ज़रूरी है कैट को जब भी आप घर पे लाएं। तो इनमें एक चीज़ और है बहुत इम्पॉर्टेंट जो आप व्लॉग में आगे देखेंगे, वो है लिटर ट्रे और लिटर। ये दोनों चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा टाइम टू टाइम जैसे जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम चीज़ें खरीद लेते हैं। अब मैं आपके साथ 15 ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग अ पर्शियन कैट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकी कॉस्ट और मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो इनकी कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों ही हाई है। ये आती भी थोड़ा महंगी ही है और इनको मेंटेन रखना भी थोड़ा कॉस्टली अफेयर ही होता है। इनकी ग्रूमिंग का हमने बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इनके हेयर्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इनकी क्लीनिनेस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो ये भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इनकी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे इनका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा हाई हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स इनकी हेल्थ के बारे में। तो इनकी हेल्थ में भी बहुत इश्यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, वो ऐसे क्योंकि इनका जो फेस होता है ना वो फ्लैट होता है, जिसकी वजह से इनको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं
और गर्मी में ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं इनको, इनको गर्मी बहुत लगती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ख्याल में रखनी पड़ती है। अब नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, इनकी हमें आई केयर बहुत करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि इनकी आँखों में से ना थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता ही रहता है, तो इनको टीयर स्टेनिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब ज़रा ज़रा सा पानी जो निकलता रहता है उसके दाग पड़ जाते हैं और उससे इनकी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनकी आईज़ को क्लीन रखना, और जिससे कि ना किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, तो आई केयर करना बड़ा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इनकी डेंटल केयर। तो इनकी रेगुलर ब्रशिंग हमें करनी पड़ती है ताकि कोई भी इश्यूज़, कोई भी गम डिसीजेज वगैरह नहीं हो, तो डेंटल केयर भी बड़ी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है इनकी डाइटरी नीड्स की, तो वो भी हमको हाई क्वालिटी की डाइट्स इन्हें देनी पड़ती हैं। तो आप चाहे मार्केट वाली दें या फिर घर की दें, जैसा भी फीड आप करा रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए। तो हम तो ऐसे देते हैं कि एक टाइम हमने मार्केट का मतलब प्लान करके रखा हुआ है, एक टाइम इनको मार्केट की फीड, जो रॉयल कैनिन के मैंने आपको दिखाए थे ना, तो वो ड्राई फीड उनकी ब्रेकफास्ट की होती है, लंच और डिनर और बीच में भी कुछ स्नैक्स वगैरह ये सब घर का ही बना देते हैं हम। वो अलग अलग चीज़ होती है, वो मैं टाइम टू टाइम चेंज करके इन दोनों के लिए बनाती हूँ, तो वो भी आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये है लिटर ट्रे और लिटर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी जो आगे ब्लॉग में आएगा, वो यही चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये हमने इस ब्रांड का लिया था, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि बेस्ट लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये इंडोर कैट्स होती हैं, जो पर्शियन कैट्स होती हैं ना, वो घर में रहना ही पसंद करती हैं, बाहर जाना उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता, थोड़ा बहुत घूमने जाती हैं। और मैंने देखा है कि कहीं पे भी इनका मन भी करेगा ना कहीं भी बाहर जाने का, तो ये घूम फिर के चाहे एक दो घंटा घूम भी लें, लेकिन ये आती अपने घर ही वापस है, क्योंकि वहीं पर इनको सुकून मिलता है। तो बस ये रहता है कि ये इंडोर कैट्स होती हैं, घर में रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इनका नेचर बहुत काम होता है, बहुत जेंटल नेचर होता है फ्रेंड्स, और पर्शियन कैट्स ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती और ज़्यादा बोलती भी नहीं है, बहुत कम बोलती हैं, बहुत कम, जैसे हम देखते हैं दूसरी कैट्स कैसे म्याऊं म्याऊं करती हैं ना, तो पर्शियन कैट्स म्याऊं म्याऊं भी बहुत कम करती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी लाइफ स्पैन की, तो इनकी जो लॉन्गिविटी होती है यानी कि लाइफ स्पैन, वो 12 टू 15 इयर्स की होती है, अगर इनमें कोई भी हेल्थ कंप्लेंट्स ना हो तो ये 12 से 15 साल तक आराम से जी लेती हैं, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट बात है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो है टाइम कमिटमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पर्शियन कैट ले आएँ घर पर और आप उसको बिल्कुल भी टाइम ना दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको इसको टाइम देना ही पड़ेगा, उसकी केयर करनी ही पड़ेगी, जिसमें टाइम लगता है ऑफ कोर्स, मेडिकल केयर हो, अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और उससे उनकी उनको बहुत कुछ हो जाएगा, वो बेचारे बोल तो पाते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ का इनको ख्याल रखना पड़ता है, तो बिल्कुल टाइम कमिटमेंट अफेयर तो है ही है। नेक्स्ट बात बताना चाहूँगी मैं फ्रेंड्स आपको पर्शियन कैट्स की शेडिंग की, इनके बाल बहुत गिरते हैं जो हर जगह घर में रहते हैं, और उसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंटली वैक्यूमिंग करनी पड़ती है, और इसको आप कम कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इनको इनके हेयर्स में ना हेयर ब्रश करते रहो, तो ये हेयर फॉल थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये होती तो है फ्रेंड्स, काफ़ी बाल हमारे अपने कपड़ों में भी लगे होते हैं जिनको हमें क्लीन करना ही होता है। नेक्स्ट बात है फ्रेंड्स, इनकी रेगुलर वेट विज़िट हमें करानी ज़रूरी होती है, हमें तो पता नहीं होता कि किस तरह की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, इसलिए बेटर होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें, उसके लिए बेस्ट है कि आप इनकी एक्टिविटीज़ को देखते रहें, ये अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, कुछ
बहुत ज़्यादा लेज़ी तो नहीं हो रहे, एक्टिव हैं थोड़ा बहुत, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप कुछ भी गड़बड़ लगती है तो वेटनरी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं आप। नेक्स्ट बात मैं बताना चाहूँगी इनकी लिटर ट्रेनिंग के बारे में। तो ये बहुत आराम से लिटर ट्रेंड हो जाते हैं और इसको परफॉर्म भी बहुत अच्छे से करते हैं। वैसे तो पर्शियन कैट्स को सबके साथ रहना ही पसंद होता है, लेकिन दिन में कुछ टाइम इनको अकेले रहना भी पसंद होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।